सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको फिर से इस चैनल पे मैं एक न्यू चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि आज का चैप्टर होगा हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कम वेल कम्युनिकेट टू अदर्स, हम कई बार ऐसे मिस्टेक करते हैं कि साइलेंट लीडर को हम नहीं पहचान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पे हमें बी लगाना हो हम लगा देते हैं, जहां ना लगाना हो वहां हम लगा देते हैं, कहीं पे के लगाना हो हम लगा देते हैं, कहीं नहीं लगाना हो वहां भी लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके कारण हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को अपने आप को कमजोर बनाते हैं। तो वही इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहां पे है जहां पे हम ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं लोगों के साथ, या फिर हम ज्यादा नहीं सुनते हैं लोगों को, वहां पे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो आई होप कि मैंने इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि हम कौन से लेटर को कहां पे साइलेंट करके हम बोलते हैं और कहां पे कौन सा लेटर साइलेंट नहीं होता है। तो इस वीडियो के बाद आप अपने आप को इंप्रूवमेंट महसूस करोगे कि हाँ, मैंने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा है। गाइस, वीडियो साइलेंट लेटर से है और साइलेंट लेटर आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आप आगे बहुत सारे वर्ड्स सही करने वाले हो। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप ऐसा महसूस करोगे, कई सारे वर्ड्स अब तक आप गलत प्रोनाउंस कर रहे थे या फिर किसी के सामने आप बोल रहे थे या पढ़ रहे थे, आज के बाद ये गलती आप नहीं करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला जो हमारा साइलेंट लेटर है वो है साइलेंट लेटर बी। तो बी का जो साइलेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा बॉम्ब, इसे बॉम्ब नहीं पढ़ा जाना चाहिए। क्लाइम, क्लाइम्ब नहीं पढ़ा जाना चाहिए। कॉम, कॉम्ब नहीं पढ़ा जाना चाहिए। क्रम, क्रम्ब नहीं पढ़ा जाना चाहिए। सो इट्स डेब, डेट, डेब्ट नहीं पढ़ा जाना चाहिए। डाउट, डाउट नहीं पढ़ा जाना चाहिए। डम, डम, इसी तरीके से और भी है, जैसे कि लैम, या फिर इसे लम पढ़ देते हैं लोग। लीम, लीम से नम। प्लम, प्लम्बर नहीं होता, प्लमर। इसी तरीके से सटल, सबटल नहीं होता, सटल। थम, थम्ब नहीं होता। स्कम, स्कम, स्कम। तो ये थे हमारे साइलेंट बी। अब हम देखते हैं साइलेंट टी। टी का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है, जैसे कि बूचर, बूचर में टी साइलेंट है। अगर आप टी को हटा के भी पढ़ोगे तभी वो बूचर ही कहलाएगा। इसी तरीके से कैसल, कैसल में भी टी साइलेंट है। क्रिसमस, क्रिसमस में भी टी साइलेंट है। फासन, फासन में भी टी साइलेंट है। हसल, हसल, इसके बाद में है लिसन, लिसन। मैच, मैच, आप टी हटा के भी पढ़ोगे तभी भी उसे मैच पढ़ोगे। इसी तरीके से है मोगेज, मोगेज में टी साइलेंट है। मोटगेज नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसी तरीके से नेस्टले, नेस्टले नहीं बोलते। ऑफेन, ऑफेन। रसल, रसल। विच, विच। सॉफेन, सॉफेन। एंड नेक्स्ट वन इज वॉच, वॉच। आई होप कि साइलेंट बी एंड साइलेंट टी आपके क्लेरिफाई हो चुके हैं। अब हम देखते हैं साइलेंट एच। साइलेंट एच में है घोस्ट, इसे घोस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आर, आर, हावर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। मैकेनिक, मैकेनिक। रिदम, रिदम, रिदम। स्कीम, स्कीम, स्कीम। स्कूल, स्कूल, स्कूल। व्हाट, व्हाट। व्हेन, व्हेन। वेयर, वेयर, वेयर। विदर, विदर, विदर। वाइल, वाइल। वाइट, वाइट। एंड नेक्स्ट वन इज द वाई, वाई।
तो साइलेंट एच भी आपके क्लियर है, अब हम चलते हैं साइलेंट के तरफ। नी, के एन डबल ई, नी, न्यू, न्यू, निकर्स, निकर्स, नाइफ, नाइफ, नाइट, नाइट, निट, निट, निटिंग, निटिंग, नोब, नोब, नोक, नोक, नोट, नोट, नो, नो, नॉलेज, नॉलेज, नकल, नकल, नेक, नेक। अपने भी के साइलेंट देखा, अब हम देखते हैं जो कि साइलेंट डब्लू है। अब बोलते हैं आंसर, आंसर, सोड, सोड, टू, टू, होल, होल, रैक, 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 रैप, रैप, रिस्ट, रिस्ट, रिंकल, 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 रेक, रेक, रैन, रैन, रेंच, रेंच, रेसल, रेसल, राइटिंग, राइटिंग, रिगल, रिगल। ये सारे लेटर्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि अगला जो हमारा साइलेंट लेटर है वो हम किसे लाते हैं। गाइस ये साइलेंट लेटर जो है वो बहुत काम की चीज़ें हैं, तो इसे ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करना ना भूलें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है साइलेंट जी, जी यानी गोवा, जैसे साइन, साइन, कंपेन, कंपेन, सैम्पेन, सैम्पेन, इसी तरीके से कोलोन, कोलोन, नोम, नोम, फिर डिजाइन, डिजाइन, रिजाइन, रिजाइन। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेनर, फॉरेनर, अलाइन, अलाइन, असाइन, असाइन। तो अभी आपने देखा साइलेंट जी, अब जो हम अगला देखते हैं वो हम देखेंगे साइलेंट यू, गार्ड, गार्ड, बिस्किट, बिस्किट, बोगे, बोगे, वेल्डिंग, वेल्डिंग, रोग, रोग, टंग, टंग, गिल्टी, गिल्टी, गिटार, गिटार, गैस, गैस, गेस्ट, गेस्ट। अगला जो हमारा यू के बाद जो लेटर है साइलेंट वो है सी, सी के लिए हम लगाते हैं कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, कॉन्शियस, 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 क्रिसेंट, क्रिसेंट, डिसेंड, डिसेंड, डिसेंट, डिसेंट,
डिसिपल डिसिपल, इवेनिस इवेनिस, फैसिनेट फैसिनेट, फ्लोरसेंट फ्लोरसेंट, एंड मसल मसल। अब हम देखते हैं साइलेंट लेटर हमारा जो है अगला वो है एल। एल फॉर लॉयन, एच लाइक आमंड आमंड, टॉक टॉक, काफ काफ, काम काम, चाक चाक, वॉक वॉक, फॉक फॉक, हाफ हाफ, पाम पाम, सैमन सैमन। तो इन सभी में आपने देखा कि अब एल साइलेंट हमने बताया, अब हम देखते हैं साइलेंट पी। कॉप कॉप, कबोर्ड कबोर्ड, निमोनिया निमोनिया निमोनिया, स्यूडो स्यूडो स्यूडो, सेकेट्रिस्ट सेकेट्रिस्ट सेकेट्रिस्ट, साइकिक साइकिक, साइकोलॉजी साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी, साइकोटिक साइकोटिक साइकोटिक, एंड रेसवरी रेसवरी रेसवरी। तो गाइज ये जो वर्ड्स थे सारे वो कहीं ना कहीं साइलेंट लेटर्स थे और इसका यूज बहुत बार हमें कन्फ्यूजन में डालता है। तो कीप रिमेम्बर कि इसको जो भी अभी तक आपने देखा है उसे सही से आप प्रैक्टिस करें और याद करें। थोड़े से और भी हम ले लेते हैं साइलेंट लेटर, जैसे साइलेंट ई। और साइलेंट ई में हम देखते हैं एज एज, ब्रिथ ब्रिथ, ब्रिज ब्रिज, चेंज चेंज, क्लॉथ्स क्लॉथ्स, जेन जेन, हेट हेट। अब जो है साइलेंट हमारा वो है साइलेंट डी। बैज बैज, एज एज, हैंडसम हैंडसम, हेज हेज, सैंडविच सैंडविच सैंडविच, बेज बेज, वेंसडे वेंसडे। अब हम देखते हैं साइलेंट डी के बाद साइलेंट ए। साइलेंट ए के वर्ड्स, तो ए के साइलेंट जैसे कम है आर्टिस्टिकली लॉजिकली लॉजिकली, म्यूजिकली म्यूजिकली म्यूजिकली, फिजिकली फिजिकली, क्रिटिकली क्रिटिकली। अब जो है हमारा अगला लेटर वो है साइलेंट एन। तो साइलेंट एन का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे ऑटम ऑटम, कॉलम कॉलम, डैम डैम, हेम हेम। अब है हमारा साइलेंट एन के बाद साइलेंट एस। साइलेंट एस में आइल आइल, आइलैंड
आइलैंड। तो ये थे हमारे साइलेंट लेटर आज के वीडियो का, और यहीं पे आज हम क्लास ओवर करते हैं। मिलेंगे एक और न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।